मैं रोहित आप सभी का माइनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज मैं आज मैं बताऊंगा कि ड्राइवर्स ऑफ रोडवे इन कोल एंड स्टोन में उसका चैप्टर जो है किस तरह से हम लोग ड्राइवर्स बनाया जाता है, मतलब समझिए, डायरेक्टली समझिए कि डेवलपमेंट किस तरह से करते हैं, बोर्डन पिलर मेथड में किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ काम कैसा होता है, लोडिंग कैसा होता है, ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, इस चैप्टर में बस यही सब बताया गया है। ठीक है, इसमें कुछ इस चैप्टर को जानने से पहले आपको कुछ माइनिंग की टर्मिनोलॉजी आपको जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसलिए मैं इस टॉपिक पे आज डील करूँगा। और हाँ, एक बात, अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और अगर पसंद भी आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, आज इस वीडियो में क्या क्या मैं बताने वाला हूँ ये पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली बात है माइनिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। हम सबसे पहले बोर्ड एंड पिलर तो एक मेथड हो गया, छोड़िए इसको। सेकंड चीज़ ये है डेवलपमेंट देखेंगे, डेवलपमेंट होता क्या है, गैलरी क्या होती है, गैलरी किस तरह से बनाई जाती है, डीप राइज और डीप राइज क्या होता है, कंपेनियन, यहाँ कंपेनियन डीप ये आपको थोड़ा नया मिलेगा, अच्छा लगेगा सुनने में, कंपेनियन डीप और राइज किसे कहते हैं, प्री डिटरमाइंड बाउंड्री, ये थोड़ा सा कुछ आज अच्छा लगेगा। एक नेक्स्ट क्या है, ड्रिफ्ट एंड स्टेपल शाफ्ट, जो सिंकिंग शाफ्ट के केस में मैंने पहले भी बता चुका है कि ड्रिफ्ट और स्टेपल शाफ्ट होता क्या है, नेचुरल पिलर क्या होता है, ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, और क्रॉस कट क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा भी नहीं जानते हो तो आज सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में है कि माइंस कितने तरह के हो सकते हैं, माइंस कितने तरह के होते हैं। भाई दो तरह के होते हैं, जैसे कि सब लोग जानते हैं, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड। अब अंडरग्राउंड कितने तरीके के होते हैं, एक होता है बोर्डन पिलर मेथड, एक होता है लॉन्ग वाल मेथड। आप लोग सोच रहे होंगे कि हैंडबुक में तीन मेथड दिए हुए हैं, सर तीन मेथड दिए हुए हैं, तीसरा मेथड क्या है, रूम एंड पिलर मेथड। एक्चुअली मेरे भाई वो एक मेथड नहीं है, वो एक बोर्ड एंड पिलर का मॉडिफाई सिस्टम है। ठीक है, वो मॉडिफाई सिस्टम है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, दो ही मेथड होते हैं अंडरग्राउंड में कोयला निकालने के तरीका। पहला है बोर्ड एंड पिलर, सेकंड है लॉन्ग वाल। ठीक है, होता ये है कि जो बोर्ड एंड पिलर जो है, फॉरेनर कंट्री में रूम एंड पिलर नाम दिया गया है, हमारे कंट्री में बोर्ड एंड पिलर होते हैं। बोर्ड का मतलब क्या होता है मैं अभी बताऊँगा। ठीक है, चलिए अभी अब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी आपके। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट सबसे पहले अभी मैंने बताया कुछ टर्मोलॉजी है, तो डेवलपमेंट भी संबंधित तो आप लोग इतना माइनिंग पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है, तो पहले मैं पढ़ के बताता हूँ। व्हेन ड्राइवर्स ऑफ नेटवर्क ऑफ रोडवे इन कोल इन माइन रीच ए प्री डिटरमाइंड बाउंड्री इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ माइंस। ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि भाई रोडवे का नेटवर्क बनाते हुए माइन के बाउंड्री तक पहुंचते हैं, उसी को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं इसमें कुछ नया चीज़ है कि प्री डिटरमाइंड बाउंड्री, ये चीज़ है, ये चीज़ आपको इस टॉपिक में नया मिलेगा। और यहाँ पे फिगर में आइए, देखिए यहाँ पे फिगर में क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है इसमें समझाते हैं। मान लीजिए ये सीम है, पूरा सीम है, ठीक है, ये पूरा सीम है। यहाँ पे शुरुआत कैसे करेंगे, पहले एक डीप, जो मेन डीप उसको नाम कहते हैं, ये मेन डीप का खोड़ाई पहले होती है। मान लीजिए यहाँ तक खोड़ दिया मेन डीप, तो यहाँ से अब शुरुआत करेंगे एक लेवल, ये लेवल बनाया, दूसरा लेवल यहाँ पे बनाया, जो पैरेलल, ये रोडवे क्या होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल होती है। अब सेकंड क्या होता है, इस दोनों पैरेलल रोडवे को हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट यहाँ से कोयला निकाल करके इन दोनों को हम जोड़ते हुए जाते हैं आगे बढ़ते हुए। जब ये नेटवर्क जो रोडवे बनता है, यहाँ ऑटोमेटिक एक कोल ब्लॉक यहाँ छूटता है, उसी को हम लोग नेचुरल पिलर भी कहते हैं, है ना, ये आप लोग देखेंगे। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ बोर्ड एंड पिलर मेथड में, देखिए ये जो रोड है, ये स्पेस जो है, ये स्पेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड, क्या कहते हैं, बोर्ड, है ना। और फॉरेनर कंट्री में क्या कहते हैं इसको, रूम कहते हैं, क्या कहते हैं, रूम कहते हैं। ठीक है, ये फॉरेनर कंट्री में जैसे ऑस्ट्रेलिया में हो गया, जो खुदाई होती है उसमें, इसको, इस जगह को कहते हैं रूम, और हमारे इंडिया में कहते हैं बोर्ड,
इसीलिए हम लोग कंट्री बोर्ड एंड पिलर मेथड कहते हैं। रूम एंड पिलर में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे रूम एंड पिलर में क्या होता है, वहाँ पे गैलरी की चौड़ाई अधिक होती है, हाइट की भी चौड़ाई अधिक होती है, बस मशीन लगा होता है कंटिन्यूअस माइनर, इस कारण उसको फॉनर कंट्री में रूम एंड पिलर का नाम दिया है। ठीक है, डेवलपमेंट समझ गए। चलिए अब क्या होता है, पहले ये समझिए कि आप पहले हम लोग फिगर में देख लेते हैं कि क्या होता है। फिगर में लास्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था, एक्सेस टू मिनरल डिपॉजिट, अब मिनरल तक पहुंच गए हैं, पहुंचने के बाद वहां पे अरेंजमेंट भी कर दिए। अब क्या होता है, जो शाफ्ट पिलर होता है, ये शाफ्ट पिलर नीचे मैंने बताया था कि शाफ्ट पिलर यहाँ पे रखे जाते हैं, ये शाफ्ट पिलर के बाद से बनाने के बाद, ठीक है, यहाँ से डेवलपमेंट चालू करते हैं। देखिए नेक्स्ट फिगर में मैं आप लोग को समझाऊंगा अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ आपका शाफ्ट है और यहाँ एक डाउन का शाफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे इसी के नीचे में क्या होता है, ये जो पिलर जो छोड़े जाते हैं सरफेस के लिए, सरफेस को सपोर्ट करने के लिए जो शाफ्ट पिलर होते हैं, ये शाफ्ट पिलर में मेन मेन चीज़ें जो है, जैसे पंप है, हॉलेज है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो माइंस को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ वही चीज़ का यहाँ पे गैलरी यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे पंप के लिए गैलरी बनाई हुई है ताकि यहाँ पानी स्टोर किया जा सके, बस इंपॉर्टेंट चीज़। अब यहाँ पिलर बनने के बाद यहाँ से हम लोग डेवलपमेंट चालू करते हैं। ठीक है, यहाँ से डेवलपमेंट चालू करते हैं, ध्यान में रखेंगे चीज़। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ जो मैं बोला, बियॉन्ड द शाफ्ट पिलर द ड्राइवेज ऑफ रोडवे एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल डिपेंड अपॉन द मैथड ऑफ वर्क टू बी एडॉप्टेड टू विन द कोल। शाफ्ट पिलर के बाद, जैसे उसके आगे हम लोग रोडवे का नेटवर्क बनाते हुए बाउंड्री तक जाते हैं और कोल हम लोग मिलता है, प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अभी मैंने बताया कि प्री डिटरमाइंड बाउंड्री क्या होता है, ये समझेंगे, है ना। माइन का प्री डिटरमाइंड बाउंड्री क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन देखिए। पहला है इट मे बी द लूज बाउंड्री ऑफ द माइन, सेकेंड इज इट मे बी ऑफ फॉल्ट प्लेन, थर्ड इज इट मे बी ऑफ ए डाइक और अदर आर्टिफिशियल बाउंड्री, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। आप लोग सोच रहे होंगे कि लीज होल्ड जितना एरिया होता है उसी को तो बाउंड्री मानेंगे सर, आप इसे क्यों ले लिए। मैं बताता हूँ मेरे दोस्तों कि लीज बाउंड्री, आप दिमाग में ये रखिए कि अगर मान लीजिए कोई लीज ऑफ लीज एरिया इतना है और कोल सीम यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, इतना बड़ा तो मैंने लीज लीज में ले लिया इतना एरिया। अब यहाँ से मान लो खदान घुसते हैं तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट का कार्य होगा ये अप टू यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ फॉल्ट है, क्या है, फॉल्ट है। फॉल्ट के बाद यहाँ पे क्या है, और एक सीम जो यहाँ पे जो इसका टूटा हुआ भाग है यहाँ पे है। तो क्या बॉस आप जो बाउंड्री तक जाना चाहोगे, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सीम ही नहीं है, जो भी मैं प्रोडक्शन करूँगा वो क्या बोलते हैं, अन इकोनॉमिक होगा, मतलब अनप्रोडक्टिव। ठीक है, इसका मतलब ये बाउंड्री क्या है, फॉल्ट प्लेन भी हो सकता है। यहाँ तक हम लोग जाएंगे प्री डिटरमाइंड बाउंड्री को, इसी बाउंड्री को हम मान लेंगे ये हमारा माइंस का बाउंड्री है कि यहाँ तक जाना है, इसके बाद आगे नहीं जाना है। ठीक है, ये समझ गया कि फॉल्ट प्लेन को भी बाउंड्री माना जा सकता है किसी केस में, डाइक का मतलब डाइक भी अगर हो सकता है तो डाइक का केस में भी क्या होता है, ये सीम है भाई, तो सीम है तो यहाँ पे फाड़ के जो डाइक होता है यहाँ बीच में कुछ डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लिया जाए ये पूरा जो है डाइक है, ये सीम में यहाँ तक गए और पता चला ये बहुत ज़्यादा थिकनेस है, और जो हम कोल प्रोडक्शन करेंगे वो अन इकोनॉमिक होगा, तो क्यों हम यहीं तक यहाँ जाएंगे, इसीलिए यही बाउंड्री को हम लोग यहीं तक को हम लोग बाउंड्री मान लेते हैं। समझ गया, प्री डिटरमाइंड बाउंड्री क्या हो सकता है, लीज बाउंड्री ऑफ द माइन भी हो सकती है, फॉल्ट प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये तो आपको फिगर में बता दिया कि फिगर में है क्या, ये इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। बोर्ड एंड पिलर मेथड क्या है, बोर्ड एंड पिलर मेथड क्या है, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते होंगे, माइनिंग पे आए हो तो बोर्ड एंड पिलर मेथड को आप तो अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे, मैं उतना बताने नहीं जा रहा हूँ कि बोर्ड एंड पिलर तो आप खुद समझते होंगे। मैं मेन चीज़ यहाँ पे समझाऊंगा कि यहाँ पे कोल सीम कितने तरह से बांटा गया है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा अदर बुक से थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसमें क्या है कि
कोल सीम को तीन बातों को ध्यान में रखते हुए बांटा गया है। कौन से तीन बातें हैं भाई? पहला चीज है थिकनेस, ठीक है, थिकनेस पे ध्यान में रखते हुए बांटते हैं, इंक्लिनेशन पे बांटते हैं और डेप्थ को देखते हुए बांटते हैं। जैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू सीम थिकनेस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सीम थिकनेस के अनुसार में चार भाग में बांटा गया है। पहले क्या है? थीन सीम। दूसरा क्या है? मॉडरेट सीम। तीसरा क्या है? थिक सीम। और क्या है फोर्थ इज वेरी थिक सीम। आप इसको देख रहे हो कि थीन सीम किसे कहते हैं, जो जिस सीम का थिकनेस 1.5 मीटर से कम हो उसे कहते हैं हम लोग थिन सीम। और मॉडरेट सीम जो 1.5 मीटर इंक्लूडिंग 1.5 मीटर टू अप टू 4.5 मीटर, इसको मॉडरेट सीम कहते हैं। थिक सीम जिसकी थिकनेस, जिस सीम की थिकनेस जो है 4.5 मीटर से अधिक और अप टू 9 मीटर वाला को थिक सीम कहते हैं। वेरी थिक सीम जो है 9 मीटर से ज़्यादा वाले को हम लोग थिक सीम कहते हैं। ये समझ लिए, अच्छा से समझ लीजिएगा इसको। अकॉर्डिंग टू अब इंक्लिनेशन मतलब सीम के इंक्लिनेशन से भी उसे देख ध्यान में रखते हुए चार भागों में बांटा गया। एक फ्लैट सीम कहते हैं, दूसरा इंक्लाइन सीम कहते हैं, और तीसरा जो है स्टीप सीम है, चौथा जो है आपका वेरी स्टीप सीम है। तो पहला फ्लैट सीम क्या होता है? जिसकी इंक्लिनेशन, जिस सीम की इंक्लिनेशन अप टू फाइव डिग्री हो तो उसे फ्लैट सीम कहते हैं। इंक्लाइन सीम उसे कहते हैं जिसका इंक्लिनेशन 5 डिग्री से अधिक और अप टू 18 डिग्री तक हो। स्टीप सीम उसे कहते हैं जो 18 डिग्री से अधिक हो और अप टू 40 डिग्री हो, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टीप सीम। वेरी स्टीप सीम कहते हैं जो 40 डिग्री से अधिक हो, उसको कहते हैं वेरी स्टीप सीम। आप HP सोनी बुक में पढ़े होंगे कि ये जो है ये ग्रेडियंट में दिया हुआ है। ये जो क्या है ग्रेडियंट में, जैसे वन इन इलेवन से कम हो तो उसे फ्लैट सीम कहते हैं। जो 1 in 11 टू लेकर के 1 in 3 तक को हम लोग क्या कहते हैं इंक्लाइन सीम, एंड 1 in 3 से लेकर के 1 in 2 तक को कहते हैं हम लोग स्टीप सीम, और 1 in 2 से अधिक रहे तो उसे वेरी स्टीप सीम कहते हैं। आप इसको कन्वर्ट भी कीजिएगा ग्रेडियंट में तो वही चीज़ निकलेगा, 5 डिग्री 1 in 11 तक निकलेगा। और ये चीज़ है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ सीम क्या है? डेप्थ ऑफ सीम के अनुसार में इसमें भी तीन भाग बांटा गया है कि सैलो सीम होता है, मॉडरेट सीम होता है, डीप सीम होता है। सैलो सीम जो जिस सीम का डेप्थ जो है 150 मीटर से कम हो, और मॉडरेट सीम उसे कहते हैं जिस सीम का डेप्थ 150 मीटर से लेकर के इंक्लूडिंग 150 मीटर टू 445 मीटर तक हो। डीप सीम उसे कहेंगे जो 445 मीटर से अधिक हो, उसे हम डीप सीम कहेंगे। ये देख लिए हैं आप। अब यहाँ पे ध्यान रखें, अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सीम आर मॉडरेट सीम। पहला ऑप्शन 4.5 मीटर, सेकेंड इज 7.5 मीटर, थर्ड इज 9 मीटर, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, आप लोग अभी पढ़ें कि मॉडरेट सीम क्या होती है। मॉडरेट सीम जिसका थिकनेस जो होता है 1.5 मीटर से लेकर के 4.5 मीटर होता है, उसे हम मॉडरेट सीम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सीम आर थीन सीम। थीन सीम कितने कहते हैं? जो 1.5 मीटर से कम हो उसे थीन सीम। इसका करेक्ट आंसर 1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग आर फ्लैट सीम। फ्लैट सीम में क्या बताया था मैंने? जो अप टू 5 डिग्री जिसका इंक्लिनेशन होता है उसे हम फ्लैट सीम कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे ए रोड इन कोल सीम इज कोल्ड, मतलब जो कोल सीम में जो रोड बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फेस, दूसरा है हॉल रोड, थर्ड रैम्प, फोर्थ इज गैलरी। इसका करेक्ट आंसर आप तो समझ ही गए होंगे, गैलरी होता है, इसको समझाने का जरूरत नहीं है। वो फिगर को कोई दिक्कत नहीं है, फिगर को आप मैं पहले ही समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए रोड विच इज ड्रेवन अलोंग द डीप ऑफ द सीम, मतलब जो सीम का जो डीप है इसी डायरेक्शन पे जो हम यहाँ पे गैलरी बनाते हुए आगे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? डीप गैलरी, सेकेंड इज डीप,
थर्ड इज लेवल गैलरी एंड बोथ इज वन और टू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर। मतलब डीप गैलरी भी कह सकते हैं, नॉर्मली आप डीप भी कह सकते हो, है ना। जैसे जैसे इस फिगर में देखिए, ये वाला आपका डीप हो गया, जो इस डायरेक्शन में, जो कोल सीम के डायरेक्शन पे जाएगा उसी को हम लोग डीप कहते हैं, इसको डीप कहते हैं। और ये वाला जो लेवल में जाते हैं इसे हम लेवल गैलरीज कहते हैं, ठीक है, ये समझ रहे हैं। अब ध्यान रखिए, व्हाट इज कॉल्ड रोड, रोडवे थ्रू अ स्टोन कनेक्टिंग टू और मोर कॉल सीम। इसमें कॉल जो है कॉल लिखा गया है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये गलत है, ठीक है। इसका ऑप्शन है ड्रिफ्ट, सेकंड इज टेपल साप, थर्ड इज एडी, फोर्थ इज नोडीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रिफ्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रोडवे थ्रू स्टोन, स्टोन में जो रोड बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सीम है, ये सरफेस है, तो इस सरफेस से यहाँ तक आने के लिए स्टोन से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे जब पहुँचते ये, इसको भी आप ड्रिफ्ट मान सकते हो, इसको भी आप ड्रिफ्ट मान सकते हो। यहाँ पे सीम है और यहाँ पे भी सीम है, इस सीम तक पहुँचने के लिए जो हम लोग बनाते हैं रोडवे जो स्टोन में, उसे भी ड्रिफ्ट कहते हैं। ध्यान में रखेंगे ये भी बात कि जो ड्रिफ्ट होती है ये फॉल्ट के तौर में, मान लीजिए एक सीम है, ये इसका दूसरा भाग जो है यहाँ पे आ गया घसक के, तो इस पे पहुँचने के लिए ड्रिफ्ट बनाया जाता है, ठीक है, इसी में ड्रिफ्ट बनाने के लिए ज़रूरत होता है, ये स्टोन में ड्रिफ्ट बन गया। स्टेपल साफ्ट में भी बताऊँगा कि क्या होता है ड्रिफ्ट, जो इसे हम लोग जानते हैं ड्रिफ्ट क्या है, अभी बताऊँगा फिर अभी इसका डेफिनेशन पे नेक्स्ट में देखे पेज में। ड्रिफ्ट कैसा हो सकता है, ठीक है, ड्रिफ्ट कैसा हो सकता है? पहला है हॉरिजेंटल, सेकेंड इज इंक्लाइन, थर्ड इज वर्टिकल एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज, फाइव इज वन एंड टू। इसका करेक्ट आंसर क्या है? वन एंड टू। ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट जो है हॉरिजेंटल भी हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, लेकिन वर्टिकल नहीं होता। वर्टिकल अगर होगा तो वह स्टेपल साफ्ट होता है, स्टेपल साफ्ट जो सरफेस तक नहीं आता। देखिए आप समझिए, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये मान लीजिए सीम है और यहाँ पे सीम, मान लीजिए दूसरा सीम कनेक्ट, इस पे क्या होता है इंक्लाइन बन करके स्टोन में बन रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका ड्रिफ्ट। सोच रहेंगे आपको ये स्टेपल साफ्ट क्यों नहीं हो सकता, पहले ये ध्यान चीज देखिए, स्टेपल साफ्ट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या, इट इज़ अ वर्टिकल पीट फ्रॉम वन अंडरग्राउंड वर्किंग प्लेस और रोड टू अनदर अंडरग्राउंड वर्किंग प्लेस और रोड बट डज नॉट एक्सटेंड अप टू द सर्फेस, इट इज ऑल्सो कोल्ड सेकेंडरी साफ्ट। मतलब ये जो साफ्ट बना रहे हैं वो सर्फेस तक नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी बताया कि एक सीम है यहाँ पे और सरफेस है, यहाँ पे जो हम यहाँ पहुँचने के लिए जो बनाते हैं जो इंक्लाइन, इसे तो हम ड्रिफ्ट कह सकते हैं, ड्रिफ्ट कह सकते हैं, लेकिन स्टेपल साफ्ट के केस में क्या इसे हम स्टेपल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भाई ये सरफेस तक नहीं जाता है, मतलब ये सीम है, एक सीम है और यहाँ एक सीम है, यहाँ पे वर्टिकल जो साफ्ट बनाते हैं इसी को कहते हैं स्टेपल साफ्ट, ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज वर्टिकल ही होगा, इंक्लाइन नहीं होता। वर्टिकल साफ्ट, स्टेपल साफ्ट जो है वर्टिकल ही होता है, समझ गए, कन्फ्यूज ना करें। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेचुरल पिलर किसे कहते हैं? नेचुरल पिलर तो आप समझ गए, समझाने की जरूरत नहीं, आप पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट करके। क्रॉस कट मुझे समझाना है कि क्रॉस कट गैलरी किसे कहते हैं? इट इज ए गैलरी विच कट अक्रॉस द पिलर ड्यू टू इट्स ड्राइवेज अलोंग एंड अपेरेंट डिप इज कॉल्ड क्रॉस कट। ये दो चीज आप समझिए, क्रॉस कट पिलर एंड अपेरेंट डिप, है ना, ये चीज आप समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि कट अक्रॉस द पिलर, मान लो यहाँ पे पिलर है, ये पिलर था, अरे यार क्या हो रहा है, ये पिलर था, इस पिलर पे इधर ना जा करके यहाँ से कट दिए, पिलर को भी काटते हुए यहाँ पे बना दिया, मतलब पिलर यहाँ तक हो सकता था, है ना, तो ये काट दिया और यहाँ से इस पार से इस पार यहाँ चला गया, यहाँ पर ना जा करके यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे काट दिया, इसी को कहते हैं क्रॉस कट, ठीक है, इसी को कहते हैं क्रॉस कट, ध्यान में रखेंगे क्रॉस कट। अपेरेंट डिप क्या होता है, अभी मैंने बनाया ना, अपेरेंट डिप क्या होता है, अपेरेंट डिप क्या होता है, जब ये इंक्लिनेशन जो होता है मेन,
ये जो इंक्लाइन होता है बहुत ज़्यादा डीप होने होता है ना, तो उस केस में क्या है कि यहाँ चढ़ने पे बहुत दिक्कत होगा, तो दिक्कत होगा इसको क्या करते हैं, इसको इजी थोड़ा सा इंक्लिनेशन कम कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ड्राइवेज इस तरह से बना देते हैं ताकि यहाँ पे जो इंक्लिनेशन कम होगा, डीप डायरेक्टली हम मान लो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे इतना चढ़ना पड़ेगा, और इसे थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, जो टेढ़ा कर देंगे तो थोड़ा क्या होगा, इंक्लिनेशन कम होगा और इजी से हम वहाँ से वॉकिंग कर सकते हैं, इसलिए अपेरेंट उसको डीप बनाते हैं। अपेरेंट डीप समझ गया, अपेरेंट डीप क्या होता है वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, ये फिगर अच्छा से नहीं आ रहा है, फिगर देखिए, ये जो है ये आपका मेन डीप है, ये क्या है, मेन डीप है। ये सब वाला को क्या कहते हैं भाई, ये वाले डीप को क्या कहते हैं, ये वाले डीप को क्या कहते हैं, आपको पता है, इसी को आप सोच रहे हैं कि अपेरेंट डीप है, नहीं, ये आपका ट्रू डीप, जो मेन डीप है उसको ट्रू डीप कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैंपेनियन डीप, है ना, कैंपेनियन डीप कहते हैं इसको। राइज की तरफ अगर हम खुदाई हो रहा है तो उसको कैंपेनियन राइज बोलते हैं, ये बाकी मेन डीप के अलावा जितने भी डीप हैं उसे हम कहते हैं कैंपेनियन डीप, ठीक है। चलिए ये समझ गए, क्रॉस कट समझ गए क्या होता है। अब यहाँ पे है क्रॉस कट आखिर क्यों करते हैं, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग पर्पस क्रॉस कट इज मेड, पहला ऑप्शन है वेंटिलेशन, सेकंड इज ड्रेनेज, थर्ड इज हॉलेज एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, वेंटिलेशन के पर्पज से भी कर सकते हैं, ड्रेनेज के पर्पज से कर सकते हैं और हॉलेज के पर्पज में। ड्रेनेज में कैसे हो गया, वहाँ पे गैलरी बनाते हैं ना, वहाँ पे क्रॉस गैलरी, वहाँ पे सम बनाने के लिए जो गैलरी बनाते हैं उसे हम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कैंपेनियन डिप, अभी मैंने समझाया ना कैंपेनियन डिप क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए, व्हेन इज सेट ऑफ डिप और राइज हेडिंग इज ड्रिवन, वन ऑफ द हेडिंग इज कॉल्ड मेन डिप और मेन राइज respectively and other heading on either side are known as its companion dip or companion rise। जो हम लोग मेन डिप जो बनाते हैं, जो मेन डिप बनाए उसको तो मेन डिप हम लोग कहते हैं, यहाँ से जो हम लोग का सेकेंड डिप जो बनता है उसे हम कैंपेनियन डिप बोलते हैं, और अगर राइज में अगर खुदाई हो रही है तो कंपेनियन राइज कहते हैं। लास्ट है व्हाट इज पैनल, पैनल क्या है, पैनल इज ए डिस्ट्रिक्ट सेपरेटेड फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट By a barrier which may be of solid coal or of brick stopping। मतलब पैनल एक डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से एक कोल बैरियर से अलग होता है। देखिए यहाँ पे ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जो है ये बैरियर से अलग किया गया है, ठीक है, ये बैरियर से, ये कोल बैरियर, यहाँ पे भी हम पिलियर बना सकते थे लेकिन यहाँ पे भी समझिए यहाँ पे भी कोल बैरियर होगा और यहाँ पर पे कुछ बैरियर छोड़ेंगे और जिसमें से इम्पॉर्टेंट जो हॉलेज पर्पस के लिए जो रोडवे होंगे उसे खुला, बाकी बात यहाँ कोयला पैनल बना करके काटते हैं। आज का टॉपिक में यही है कि इतने सारे टर्मोलॉजी हैं, नेक्स्ट मैं बताऊँगा पिलर का साइज कैसे रखते हैं, किस जगह पे कहाँ ज़्यादा रखते हैं, किस जगह पे कम रखते हैं, वो मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो पे। टर्मोलॉजी आज इसको अच्छा से सीन शॉट लेकर के पढ़िएगा, किताब में खोल के देखिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।